एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे और इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहूँगी क्योंकि इंग्लिश के लिए इससे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता जहाँ पे आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं वोकेबलरी का अब ये सेशन जो हमारे पास अब हम लोग वो वोकैबलरी के वर्ड्स करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं आप लोगों के लिए जो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं ना कि चलो छोड़ो ये तो क्या ही आएगा और फिर एग्जाम में हमारे सामने वही चार वर्ड्स आ जा जा जाते हैं तो अब हम उस काश को छोड़ने के लिए आगे काम कर रहे हैं ताकि कि एक भी वर्ड आप लोगों के एग्जाम में ऐसा ना हो जो कि आ जाए क्योंकि इजी वर्ड्स अब हम लोग कर चुके हैं अगर मैं किसी दिन वोकैबलरी का टेस्ट दूंगी तो आप लोगों को बहुत सारे सनानियम्स बताने के लिए हम लोग प्लान करें एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपको जितने सनानियम्स आते हैं उतने हम बताते जाएं बताते जाएं और आपका टेस्ट हो जाए तो वो इजी वर्ड के लिए होगा लेकिन ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्ड आपके सामने आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है ग्राउज तो ग्राउज़ एक ऐसा वर्ड है जिसके सिनोनिम्स तो आपको आते होंगे लेकिन एग्जैक्टली exactly यूसेज नहीं आता होगा तो हम अब ऐसे वर्ड्स को लेके चल रहे हैं और यही वर्ड्स हैं जो टेक्निकल वर्ड्स में भी काम आएंगे यही वर्ड्स हैं जो हमारी वोकेबलरी को एक्चुअली में स्ट्रोंग करेंगे तो अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए एनहेंस करने के लिए और अच्छा करने के लिए एनरिच करने के लिए अपने आप को होन करने के लिए पॉलिश करने के लिए हम लोग मिले हैं इस वोकेबलरी के सेशन में जहाँ पर हम लोग करेंगे अपनी वोकैबलरी को एक साथ स्ट्रॉन्ग तो जितने वर्ड्स भी हम लोग यहाँ पे करेंगे सैटरडे को देखो मैं ये बता रही हूँ सैटरडे को टेस्ट होगा हर हर सैटरडे को होगाबलरी का जितने भी वर्ड्स मैं पूरे छह दिन में कराऊंगी ना उसको आप रिविजन करके आइएगा सैटरडे को मैं इन वर्ड्स को आप लोग को दूंगी और आपको उसके सनालिम्स को बताना है ठीक है तो सैटरडे को नया कुछ नहीं करेंगे इनका जितना आ गया उसका रिविजन करेंगे राइट क्या ये सही लगेगा आप लोगों को सैटरडे को आपको इसका पूरा रिविजन होगा टेस्ट हो होगा तो आपको रिविजन करके आना है सारे वर्ड्स का। Is it clear to you? Okay. अगर है तो please thumbs up करके मुझे बताइए या अपना ओपिनियन हाँ पे आप रखिए। के साथ अब हम लोग किसी भी बात छोटी होते हैं है. जो कंप्लेन करने का एक भी मौका एक भी, uh, you know, नहीं छोड़ते हैं उसे कहा जाता है ग्राम्बल कैसे लोग ग्रंबल पीपल कैसे पीपल ग्राम्बल पीपल तो ग्राम्बल लोग क्या करते हैं ग्रंबल लोग शिकायत करते हैं क्या करते हैं वन थाउजेंड क्वेश्चन के स्टेनोग्राफर के लिए पर वीक दीपक पता है कैसा हो रहा है टॉल ऑर्डर डू यू नो द टॉल ऑर्डर अगर नहीं पता तो प्लीज जाके एक बार चेक करिएगा वॉट अ स्टॉल ऑर्डर मेरे पास इतने सारे डिमांड आने लग गए कि नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा होने लग गया है ठीक है तो प्ले लिस्ट कहाँ गई है भाई प्ले लिस्ट उड़ गई है प्ले लिस्ट गायब हो चुकी है प्ले लिस्ट हमें भी नहीं मिल रही है और आपको भी डेफिनेटली नहीं मिल रही होगी ठीक है इट हैज बीन रिमूव्ड नहीं पता चल रहा है क्या हुआ कैसे हुआ तो जैसा कि मैंने बोला नहीं पता चल रहा है तो हम लोग इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस नहीं आएंगी डेफिनेटली ठीक है चलो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे ग्राउज वर्ड होता है कंप्लेन करना शिकायत करना इसके सेम्स पढ़ लेते हैं कंप्लेन हमें आता है कंप्लेन हमें आता है कितने सारे इसके आप लिख सकते हैं हैप्पी बर्थडे बर्थडे दीपू फॉर योर एंड ऑन ऑन दिस डे आई विश कि आपकी सारी तमन्ना पूरी हो आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहें मे गॉड फुलफ़िल ऑल योर डिज़ायर लेकिन सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन है वो ज़रूर से हो जाए और आपके सारे दोस्त जो यहाँ पे हैं उन सब का भी सिलेक्शन हो जाए ताकि कि सब लोग एक साथ हाँ आप सब लोग एक साथ अपना खुशी मनाएं और सबका दिन बहुत अच्छा हो और आपको भी काफ़ी प्राइवेट वीडियो शो कर रहा है ये एग्जैक्टली प्राइवेट ही शो कर रहा है मैंने बता दिया था इसके बारे में अब बार बार उसके बारे में बात नहीं करते आइए सुनानी में पढ़ते ग्राइप करना यानी क्या होता है कंप्लेन करना ग्रम्बल करना यानी कंप्लेन करना कैवल ये नया वर्ड हो सकता है मोन यानी तो आपको आता है मोन यानी या तो होता है कंप्लेन करना या फिर रोना जबरदस्ती का ऑब्जेक्शन करना कंप्लेन करना प्रोटेस्ट करना वैसे विरोध में भी आता है पर दे आर प्रोटेस्टिंग दे आर अगेंस्ट अस तो वो इसके लिए क्या कर रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं राइट क्विवल right? करना कंप्लेन करना होता है ग्रोन करना कंप्लेन करना होता है वाइन करना कंप्लेन करना होता है कितने आपको इसमें से नए लगे हैं ये जरूर बताइएगा और जो आपको नए लगे हैं आप लोग प्लीज नोट्स बनाना शुरू करिए कंप्लेन आप लोग वर्ड ऊपर लिख सकते हैं अगर आप लोग को कंप्लेन वर्ड यूज करना है कहीं पे तो ही कीप्स ग्रम्बलिंग ही कीप्स कंप्लेनिंग की जगह ही कीप्स 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 ही ही ग्रोनिंग groans whines आप यूज करेंगे ना तो आपको ये सारे वर्ड्स आने लगेंगे और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं इसको अपने वैकेबलरी का हिस्सा बना लीजिए ठीक है आइए इसी के साथ अब बढ़ेंगे वर्ड नंबर टू पे या इज इट क्लियर टू यू वन नंबर क्लियर हो गया क्या इसको मैं 11 लिख दूंगी गाइस इसको ना वर्ड नंबर इलेवन लिख दूंगी कल हमने वर्ड नंबर टेन तक कर लिया था आज इलेवन टू ट्वेंटी कल ट्वेंटी थर्टी और फिर सैटरडे को हम लोग यहाँ से यहाँ तक जिस नंबर से जिस नंबर तक का है ना तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक साथ सैटरडे को पूरे पचास जो वर्ड्स हो जाएंगे उसका टेस्ट ले लेंगे ठीक है ऐसे करेंगे क्लियर टू एवरीबॉडी अगर नहीं है कुछ बात है प्रॉब्लम है कंप्लेन है तो प्लीज कहिए मुझे आइए चलते हैं वर्ड नंबर

एप्लॉम कहा जाता है उसी कॉन्फिडेंस को एप्लॉम कहा जाता है तो एप्लॉम इज हैविंग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का सिनोनिम है राइट दैट इज कामनेस दैट इज अश्योरेंस यानी अपने अंदर एक अश्योरिटी रहती है yes, हो जाएगा कोई बात नहीं प्रॉब्लम है हो जाएगा कूलनेस या ही इज वेरी कूल यानी कि वो बहुत काम रहता है कंपोज रहता है उसे बोला जाता है तो काम कंपोज बोला जाता है सेल्फ uh, कंट्रोल लिखा हुआ है यानी कि वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता वो अपना टेंपर नहीं लूज करता बिकॉज ही हैज़ कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ कंपोजर है उसके अंदर पॉइज है उसके अंदर अश्योरेंस है कॉन्फिडेंस है इसको बोला जाता है तो वर्ड्स को आप लोग एकदम uh, रखिए अपने साथ क्योंकि आपको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है आपके एक जब मैं टेस्ट लूंगी तो आप लोगों को ये सब कुछ आना भी चाहिए इसी के साथ अब चलते हैं इसमें ही प्रेजेंटेड द प्रेजेंटेशन विद हिज यूजुअल अपलॉम उसने प्रेजेंट करा इस प्रेजेंटेशन को अपने यूजुअल अपलॉम के साथ अपलॉम की जगह हम कामनेस कंपोजर कॉन्फिडेंस अश्योरेंस कूलनेस कंट्रोल कंपोजर पॉइज़ ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है पहली बार सुना एक्जैक्टली exactly. मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स ही यहाँ पे रखे हैं जो आपने पहली बार सुने हो लेकिन अब आप आपकी वो का हिस्सा वो बन जाना चाहिए ठीक है चलिए शाहरुख कह रहे आज और एक और

आप रूम में बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हो हेडफोन लगा के मेरा वीडियो सुन रहे हो और अचानक से मेरे वीडियो में से आपको आवाज आना बंद हो जाती इसलिए नहीं कि यहाँ से वॉइस की प्रॉब्लम हो इसलिए बाहर इतना ज्यादा फ्रैकस चल रहा है कि आपको आवाज ही नहीं आ रही दैट फ्रैकस इज बहस पड़ोसी लड़ने लगते हैं ना ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करी है हमारी नई गाड़ी निकल पाएगी या फिर ये तो हमारी पार्किंग वाली लॉट है ऐसे छोटे छोटे बातों पर वहां पे लड़ाई झगड़ा फ्रैकस होता रहता तो दैट इज कॉल्ड फ्रैकस दैट इज कॉल्ड कमोशन दैट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस

नाइनटीन सही हुआ है आपकी वजह से नाइनटीन ही हुआ मेरी वजह से क्यों आगे नहीं हुआ वैसे नाइनटीन अच्छा हो गया ये बहुत अच्छी बात है मेरे पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स है गाइज जो बोल रहे थे लास्ट टाइम हमने एक एक बच्चा मेरे को ऐसा बोला लास्ट टाइम मैंने एक किया था एक सिर्फ एक किया था क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी और इस बार वो नाइनटीन पूरा सही करके आया अब क्यों वाइज नाइनटीन ऐसे उसने ट्वेंटी वन किए थे पर दो उसके गलत हो गए हैं राइट right? तो वी आर रियली हैप्पी दैट वी आर एक्चुअली एबल टू हेल्प यू पीपल और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द सेशंस ठीक है चलिए आइए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं वर्ड्स देखते जाइएगा गाइस जो वर्ड आपको नया लग रहा है जैसे कि अगर आपको एफरे नया लग रहा है फ्रैकस नया लग रहा है या फिर स्काफल नया लग रहा है टेफ और ये सब हम लोग बार बार यूज करते हैं स्कैबल क्विबल ये सब हम अपने सेशन में बार बार यूज करते हैं क्लैश ऑल्टेशन क्वारल ये आता रहता है ठीक है तो जो नया है उसको उसको ऐड करते रहिए अपने इसमें है ना वी ट्राइड टू स्टॉप देयर आर्ग्युमेंट हमने ट्राई करा उनके आर्ग्युमेंट्स को स्टॉप करने का बट सून इट टर्न इनटू अ फ्रैकस पर जल्दी से वो किस में बदल गया फ्रैकस में बदल गया यानी लड़ाई होने लगी बहस-वहसई गरमा गर्मी हो जाती है ना जो उसको बोलते हैं फ्रैकस क्लियर चलिए क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे अब चले नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे थ्री हो गया हमारा फोर्टीन फोर्टीन हो गया ये इसको मैं फोर्टीन बोलूंगी कल वाली जो क्लास थी ना देट वाज फर्स्ट टेन आज नेक्स्ट टेन कल नेक्स्ट टेन और सैटरडे को टेस्ट होगा ठीक है जो रेगुलर है उन लोग को

फाइन कितने बार यूज करते हैं हम लोग फाइन यूज़ करते हैं नाइस nice यूज करते हैं ओके okay यूज करते हैं यूज़ करते हैं कि नहीं दिन भर में न जाने कितने बार पचास बार कम से कम हम फाइन ओके नाइस बोल देते होंगे बट इसके सुनानी को नहीं यूज करते हैं इट इज़ कैपैसिटिकटिस्फैक्ट्री भी नोन वर्ड है नाइस nice यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ भी, प्लेजेंट है ऑल राइट right है कोेक्ट है प्लीजिंग है अपीलिंग है चार्मिंग है ये सब भी हो सकता है लेकिन लेकिन कैपेसिटिक हमने आज तक यूज नहीं किया होगा तो लेट्स एनहेंस आर विकेबलरी हमें एनहस करना चाहिए कैपेसिटिक वर्ड को यूज करना चाहिए और कैपेसिटिक जो वर्ड है वो हमारे डिक्शनरी में अब ऐड हो जाना चाहिए ठीक है वेरी गुड पारूल मतलब आई रियली आई एम हैप्पी एंड आई विश कि आपका कॉल मेरे पास सबसे पहले आए कि यस yes, आई और ऐसा हुआ है अभी भी हुआ है क्योंकि सी एच एस में 24 फोर ट्वेंटी फोर करने वाले बहुत सारे लोग थे जिनके कॉल आए आप लोग भी देख रहे थे बहुत सारे लोगों ने बोला ठीक है नेहा बोल रहे ट्वेंटी बनाए एक गलत हो गया कोई बात नहीं सी एच एस एल इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ इसलिए रोइे मत परेशान मत होइए मैं ये कहती अगर एक भी सही होता बाकी गलत होते तो भी मैं यही कहती ठीक है इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ ठीक है बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और हमारी लाइफ में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है चलिए आइए इस पर चलते हैं आई फील हैप्पी वैन थिंग्स गो कैपैसेटिक आई फील हैप्पी एवरीबडी जनरली फील्स हैप्पी वैन थिंग गो कैपैसेटिक लेकिन अगर बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं मानने का ओके चलिए आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे फोर्टीन हमारा खत्म हो गया अब हम आते हैं निष्ठा लिखा हुआ निष्ठा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आप किसी से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है बहुत ज्यादा लॉयल है फाइडॅलिटी निष्ठा लिखा हुआ है डिवोशन लिखा हुआ वर्ड तो मिट क्या है निष्ठा लिखा हुआ है तो वर्ड मैं डिवोशन मान लेती हूँ यहाँ पे ठीक है डिवोशन यानी किसी के प्रति कंप्लीटली समर्पित रहना ठीक है समर्पित रहना ठीक है नाउन होगा ये वर्ड यहाँ पे क्योंकि वर्ड नहीं पता है इसलिए तो मैं नाउन की कैटेगरी में इसको रख रही हूँ फेथफुलनेस यानी समर्पण फलिटी यानी ऑनेस्टी यानी किसी के प्रति पूर्णता ईमानदार होना लॉयल्टी यानी ईमानदार होना डिवोशन यानी कंप्लीटली समर्पित होना ओबीडियंस यानी किसी को पूरी तरीके से फॉलो करना उसको पूरी तरीके से समर्पित होना अडहरेंस uh, adherence, adherence क्या होता है अडहरेंस एक्चुअली फिक्स माइंडसेट की बात होती है कि हम बिल्कुल फिक्स होके किसी को फॉलो कर रहे हैं ठीक है लेकिन आ, uh, uh, लेकिन 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 अडहर होना यानी फिक्स हो जाना होता है थोड़ा सा ये नेगेटिव वर्ड में भी आता है पर यहाँ पे किसी के प्रति पूर्णता समर्पित होना किसी को पूरी तरह वर्ड टू वर्ड वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना तो भी अडहरेंस होता है राइट अब प्लीज बातें ना करके वर्ड्स पे भी आप फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा ट्रस्ट वर्दीनेस यानी किसी को फॉलो करना कमिटमेंट कमिटमेंट क्या होता है प्रॉमिस होता है अपना कमिटमेंट निभाना अपना प्रॉमिस अपना वादा निभाना रिलायबिलिटी यानी किसी पे भरोसा करना डेडिकेशन डेडिकेशन यानी पूरी तरीके से किसी की तरफ समर्पित होने का भाव राइट तो इन सबको क्या बोलेंगे ये सब इसके लिए आएंगे वर्ड कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे ये नया नहीं मिल पाया मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है हाँ अबाइड बाइड यानी फॉलो

एलिजायंस और एलिजायंस अगर आपके लिए नया नहीं है तो आप प्लीज नोट नहीं करिए और अगर है तो नोट कर लीजिए ठीक है एलिजायंस लिखा हुआ रहता है राइट right? एलिजायंस का मतलब निष्ठा होता है यानी कमिटमेंट किसी पर्सन को किसी ग्रुप को किसी आइडिया को किसी थॉट को और किसी कंपनी को जैसे मेरा कमिटमेंट है हमारी कंपनी को लेकर मेरा कमिटमेंट है कि आई हैव टू बी हियर एंड आई हैव टू मेक इट अ लार्ज आई हैव टू टेक इट टू अनदर वर्ल्ड ये मेरा कमिटमेंट है मेरी कंपनी से तो आप लोगों का भी कमिटमेंट होना चाहिए अपने आ, चीजों से ठीक है जैसे कि यहाँ पे कमिटमेंट है रिलायबिलिटी है अडेंस है फाइडलिटी है लॉयल्टी है डिवोशन है फेथफुलनेस है तो आई एम फुली कमिटेड टू माई कॉम्पनी आर इंडिया स्टडीज एंड वी विल टेक इट वन डे somewhere समवेयर अनादर वर्ल्ड तो ये मेरा भरोसा है हाँ नोट्स बनाने वाली वीडियोज़ बना चुकी हैं मैं ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ नोट्स कैसे बनाना है कल मैंने कल के सेशन में यही बताया था अगले क्वेश्चन में चलेंगे इनडेलेबल लिखा हुआ इसको हम वर्ड नंबर सिक्स कहेंगे इनडेलिबल क्या होता है जो डिलीट नहीं किया जा सकता जिसको हम बोल सकते हैं सामान्य भाषा में Un -delete, un जो होता है जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता है ना जिसको जो जिसको इरेज नहीं किया जा सकता इनकेबल हो गया पे जिसको हटाया नहीं जा सकता है जो इनपैरशल है जिसको आप गायब नहीं कर सकते हैं ठीक है ठीके? जिसको आप हटा नहीं सकते हैं इन डिस्ट्रक्टेबल है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते इन रिमूवेबल भी बोल सकते हैं लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ रिमूवेबल भी बोल सकते हैं जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं जो कैसा है परमानेंट है जो कैसा है जिसको बदला नहीं जा सकता तो एयर uh, 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 क्या बोलते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता अनचेंजेबल बोल सकते हैं जिसको हम लोग है ना अनिल मैंने पहले आज सुबह के प्लीज व्हाट्सएप से रिलेटेड बातें आज सुबह की क्लास में हो चुकी हैं मैंने बोला था आप लोगों को वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट हमारी टीम उस पर काम कर रही है अभी मेरे पास आ जाएगा इनडिस्ट्रक्टेबल है जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसको आप अनबीटेबल है जिसको आप हरा नहीं सकते वो होता है तो इनडिस्ट्रक्टेबल जिसको रिमूव डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता हटाया नहीं जा सकता इनडेलेबल लिखा हुआ है क्या यहाँ पे ये रहा वर्ड इंडेलेबल ही लिखा हुआ है बेटा इंडेलेबल का मतलब क्या होता है अमिट होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता अनचेंजेबल एग्जैक्टली अनचेंज तो ये सारे चीजें हैं ये तो बहुत आसान है आई विल राइट एंड इन डेलेबल विल यहाँ पे विल का क्या मतलब है जल्दी से बताइएगा विल का क्या मतलब है यहाँ पे ठीक है विल क्यों मैं लिखूंगी एक विल कौन सा जिसको मिटाया नहीं जा सकेगा जिसको बदला नहीं जा सकेगा जो कि अनचेंज अनचेंजेबल होगा जिसको हम लोग मिटा नहीं सकेंगे जो परमानेंट होगा जो कंसिस्टेंट होगा जो एफीमरल uh, होगा ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हाँ बेटा पता चला अभी अभी कि चेंज हो गई है डेट आइए इस पे चलते हैं हसलर नेक्स्ट वर्ड हमारा हसलर है हसलर यानी होता है अपॉर्चुनिस्ट और अपॉर्चुनिस्ट होता है मौका परस्त मौका परस्त यानी मौका मिला चौका लगा ठीक है मौका परस्त लोग होते हैं अवसर का चांस का जब हथौड़ा गरम मिले सॉरी जब लोहा गरम हो हथौड़ा मार लो ठीक है दैट इज कॉल्ड अवसरवादी पर्सन मौका परस्ट पर्सन अपॉर्चुनिस्ट पर्सन सेल्फ सीकर पर्सन, वायर पुलर पर्सन जैसे ही मौका मिला तार खींच लिया हो गया काम ठीक है नहीं 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 जो समझ अपॉर्चुनिटी तो को, समझ तो को समझना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए क्या करो अपना अपना यू uh, नो you know, अपने आप को एक्सटेंड करो थोड़ा 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 रोज दस दस वर्ड सीखोगे ना दस बारह नए अच्छे वर्ड स्टैंडर्ड वाले तो आप अपने को और इम्प्रूव करोगे एनहांस करोगे तब थोड़ा इंपॉर्टेंट तब थोड़ा अच्छा लगेगा कि ऐसा आ रहा है तो जो नया लिख रहे हो ना उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ो क्योंकि नए हैं आज तक नहीं आते थे तो अब जब आ रहे हैं तभी उसको ऐड करो तो ज्यादा फायदा होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम हिम ही इज अ हसलर वो हसलर है वो मौका परस्त है वो अवसरवादी है वो मौका मिलने पे काम करेगा नहीं तो आपको कभी भी धोखा दे सकता है इस तरीके का वर्ड है ये नंबर सेवनटीन एटीन पे अब हम लोग चल रहे हैं डिस्पोटिज्म है डिस्पोटिज्म वर्ड जो है ये बहुत बार यू नो मेन्स का एग्जाम है या सी का एग्जाम है इसमें जो पैराग्राफ आते हैं ना पैसेजेस जो आते हैं इनमें यूज किया जाने वाला ये शब्द है पैसेजेस वगैरह में याद आते हैं आटोक्रेसी है डिक्टेटरशिप है टायरनी है है डोमिने डोमिने डोमिनेंसी भी हो सकता है एग्जैक्टली डोमिनेंसी भी हो सकता क्योंकि है क्योंकि नाउन है ये मैं बस वही पार्ट ऑफ स्पीच देख रही थी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहेगा डोमिनेशन या डोमिनेंसी तो डोमिनेशन भी हो सकता है डिस्पोटिज्म यानी किस्ताना शाही डिक्टेटरशिप यानी कैसा पर्सन जो टारनी हो जो कैसा हो हिटलर हो राइट जो आ, अपना पावर चलाता जिसका एब्सोल्यूट पावर हो जिसके अलावा कोई और पावर नहीं हो डिस्पोटिज्म अबेंडेड बाय मैनी कंट्रीज नाउ डिस्पोटिज्म को अब बहुत सारे कंट्री द्वारा अबैंडन कर दिया गया है छोड़ दिया गया है ठीक है चलिए कौन से कमेंट्स नहीं देखे प्रीति दिख रहे हैं आपके कमेंट्स भी यहाँ पर, पर मैं फोकस वर्ड्स पे कर रही हूँ अब है अलेज अलेज हमारा वर्ड है अलेज करना क्या होता है इल्जाम लगाना आरोप लगाना जब तक साबित नहीं हुआ उसके पहले ही आरोप लगा दिया उसको एसर्ट करना, करना, करना अफॉर्म करना स्टेट करना प्रोक्लेम करना अक्यूज करना चार्ज करना यहां पे देखिएगा इन तीन शब्द को ठीक है यहाँ पे एक वर्ड और आ सकता है डिक्लेयर ठीक है ये चार शब्द अलग ही है असर्ट करना अपनी बात को कहना अफर्म करना अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ कहना फर्मनेस के साथ कहना स्ट्रेट करना अपनी बात को कहना डिक्लेयर करना अपनी बात को अनाउंस करना ये उसमें भी होता है और ये आरोप लगाने के इसमें भी होता है तो किसी को हमने प्रोक्लेम कर दिया किसी को अक्यूज़ कर दिया किसी को चार्ज लगा दिया यानी हमने उस पर क्या कर दिया आरोप लगा दिया तो ये सारे वर्ड्स हैं बहुत सारे बार आ चुके हैं बहुत सारे बार हम लोग इसको कर चुके हैं ठीक है थीके? ही अलेज without certainty देखो लिखा हुआ, बिना किसी सर्टेनिटी के बिना किसी श्योरिटी के उसने क्या कहा दैट आई हैड स्टोलेन ऑल द मनी उसने आरोप लगाया बिना किसी सबूत के बिना किसी श्योरिटी के कि मैंने सारे पैसे चुराए हैं अब चलते हैं अगले वाले वर्ड पे आज का लास्ट वर्ड है हमारा रोल किंग बताओ कितने लोगों ने इस वर्ड को सुन रखा है रोलिकिंग वर्ड को सारे आते हैं बहुत आसान हैं और आसानिम से मीनिंग से आ भी जाएगा हमें ये वर्ड क्योंकि आसान सा है पर मैं ये पूछ रही हूँ क्या आपने वर्ड को सुना है क्या कौन पर्सन होता बहुत मजे करने वाला, सा परसन, कैसा परसन? सा है जिसके आते ही क्या हो एकदम मजा सा आ जाएंगे चेयरफुल पर्सन है लिखा नहीं है चेयरफुल कहीं पे अच्छा मीनिंग में लिख दिया जाए चेयरफुल है पर्सन एकदम हंसने वाला हंसाने वाला माहौल बनाने वाला एकदम बॉइसरस सा पर्सन है जॉन्टी सा पर्सन है जोक्यूलर वर्ड यहाँ पे आ सकता था इसके नहीं सुना है ओके ठीक है जॉन्टी है वर्ड पर्सन है नहीं चेयरफुल पर्सन है यानी खूब हंसने वाला खूब मजा करने वाला खूब खुश रहने वाला पर्सन है उस पर्सन को कहा जाता है लेकिन इसका एक और मीनिंग हो सकता है आगे लिखा हुआ है देखो प्लेफुल है प्लेफुल यानी मजे मस्ती करने वाला पर्सन है और एक्ट है यानी कैसा है खूब एक्साइटमेंट वाला पर्सन है लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ अनस्ट्रेंड किसी की नहीं सुनने वाला है अनरेस्ट्रेन्ड को क्या बोलते हैं अनकंट्रोल बोलते हैं क्या बोलते हैं अनकंट्रोल बोलते हैं जिस पे किसी का कंट्रोल ना हो क्योंकि रेकलेस हो गया ना अपनी मर्जी का करेगा क्यों करेगा अपनी मर्जी का क्योंकि चियरफुल है नॉइजी है मौज उड़ाने वाला है मज़े करने वाला हैपनिंग है वगैरह है सा ये तो है लेकिन ऐसे लोग कई बार अपनी मर्जी चलाते हैं अपने हिसाब से काम करते हैं क्योंकि वो खुश रहते हैं इसलिए तो तो क्या हो गया वो अनरेस्ट्रेंट भी हो गए अनकंट्रोल्ड भी हो गए इनडिसिप्लिन भी हो गए अनरूली भी हो गए क्योंकि इनको इन, ये किसी की बात नहीं सुनते इसलिए ये नेगेटिव में भी आ जाता है हाँ जोवियल वर्ड सही है बिल्कुल है ना राइटियस यहाँ पे जो राइटियस है ये राइट करने वाले यानी कि लड़ाई करने वाले झगड़ालू बोल दिया गया वैसे तो ये बड़ा अलग सा वर्ड है इसको नहीं लिखे तो बेहतर होगा अनरूली अनकंट्रोल वाला ठीक है विलफुल होता है अपनी मर्जी चलाने वाला किसी की नहीं सुनने वाला अनकंट्रोल पर्सन होता है ठीक है तो उसको कहा जाता है वन हु हैज वन एग्जैक्टली सही है पर ये कैसे हो जाता है अप्रोर यानी चिल्लाना होता है नहीं होगा यहाँ पे ठीक है अप्रोर आएगा राकस में फ्राकस जो वर्ड हमने किया था वहाँ पे कमोशन वाले में है ना तो देखो ये हो गया अब दोनों मीनिंग हो सकते हैं दोनों के देखते हैं। एक तो तरफ मैं चेयरफुल बोल रही हूँ और दूसरी तरफ तो मैं इसको अनकंट्रोल्ड बोल रही हूँ समझ में आ गया क्यों बोल रही हूँ अब आते हैं इसमें नेक्स्ट सी एच एस एल के लिए मेरे कौन से प्रीवियस ईयर वीडियो देखो एक तो सबसे पहले आपने 2019 जो सी एच एस एल है ना अभी मैंने पूरा नहीं करवाया दो तीन पेपर करवाया पहले तो वो दो तीन पेपर देख लीजिए और जब तक मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ सी जी एल ट्वेंटी नाइन इसको देखना शुरू कर दीजिए ठीक है सी जी एल ट्वेंटी नाइनटीन और सी एच एस एल ट्वेंटी नाइनटीन ये दोनों सबसे मेन टारगेट है तो इन दोनों को करना शुरू कर दीजिए इन दोनों के लॉन्ग टॉपिक्स टॉपिक वाइज हम लोग करने वाले हैं सीजीएल पिछले पांच साल के काफी टॉपिक्स करवा चुकी हूँ और सॉरी साल साल के कर पांच साल के करवा चुकी सीजीएल कराने बाकी है। तो सीजीएल मैं करा दूंगी तब तक आप ये वाले टॉपिक वा, ये वाले प्रीवियस ईयर पेपर पी वाई पी ये भी पी वाई पी है ये भी पी वाई पी है इनको देखना शुरू कर दीजिए सीजीएल और सी एच एस एल वालों को बोल रही हूँ ठीक है और बाकी हम लोग जब करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी ठीक है हाँ 2016 से अब तक की करो बिल्कुल सही बात है मैं तो मशीन बन जाऊं बिल्कुल और यहाँ पे बस एक एक कुछ सीडी डाला और उसमें से कैबलर निकल गया इडियम निकल गया वन वर्ड निकल गया एक साथ और फटाफट फटाफट होते जाएगा है ना चलो फिर भी मैं ट्राई जरूर करूंगी टॉल ऑर्डर उन्हीं से उम्मीद की जाती है जिस पे आपको भरोसा होता है और मुझे इस बात की खुशी है कि इसलिए सैटरडे को, को इन सब का हम रिविजन करेंगे ठीक है और हर सैटरडे को हम वोबलरी के रिविजन करेंगे जो लोग रेगुलर है वो लोग ही इस सेशन को देखें वरना समझ में आपको आएगा नहीं तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप लोग प्लीज रेगुलर रहे हैं सेशन के लिए इसी के साथ इसको हम खत्म करते हैं अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में रात को 9:00 बजे तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर योरसेल्फ थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज, प्लीज 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 इस सेशन को शेयर जरूर करिए अच्छा यू आर डूइंग परफेक्ट जॉब

अठारह बजे एक सेशन है अठारह कितने बजे बजते हैं छ बजे स्टूपेंडस एक्सीन चलो चलो सना बताते हैं आज देखते हैं कितने लोगों को कितने वर्ड जाते हैं डू नॉट गूगल पहले कहा है मैंने और बोलिए गुड वर्क ये तो बहुत सिंपल सा हो गया है है ना छे बजे अरे सेशन आ चुका सीपीओ के लिए जो आने वाला था वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी ठीक है चलो वर्ड्स बताइए वर्ड्स बताइए एक्सलेंट वर्क कर रही हूँ मैं स्टूपेंडस वर्ड कर रही हूँ टेरिफिक जॉब कर रही हूँ अमेजिंग जॉब कर रही हूँ बता रही है इससे आपका थोड़ा सा तो होगा ही कि आप लोग क्या करेंगे अपने वर्ड्स लिखना शुरू करेंगे Synonyms बताना है आप लोगों को स्प्लेंडेड अरे ये किसने लिस्ट पूरी दे दी एक साथ इतने सारे मैं कैसे सुपर जीनियस जीनियस क्या होता है जीनियस इज नॉट एन एडजेक्टिव पेंटेबुलस लिख दिया मैंने आपने तो फेबुलस बोला था अच्छा कोलोसल ट्रिमेंडस अब तो गूगल ही हो रहा है अब तो गूगल ही हो रहा है ट्रिमेंडस बोला किसका वर्ड नहीं आया है यहाँ पर देखेगा Synonyms तो काफ़ी आते हैं आप लोगों को मावल्स ये शाहरुख खान आ गए बिल्कुल गूगल से एकदम नए नए ताज़ा ताज़ा वर्ड लेके एकदम ग्लोरियस अमेजिंग मैग्निफिशन फंटेबुलस मावलस फेंटास्टिक खुद से लिखा है या गूगल किया वैसे ये वर्ड्स हैं नहीं ऐसे मावलस वगैरह गूगल करने वाले मुझे लगता है टाइप कर रहे होंगे सारे एक साथ इसलिए टाइम लग गया चलिए आ... रोहित जो आपका वर्ड है ना ये नहीं एग्जिस्ट करता गूगल में और ये ये ना डिक्शनरी में भी एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं सी एल में नहीं रख सकती हूँ इसको बट चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट एंड योर दीज वर्ड्स एंड यही आपके सपोर्ट हैं जो हम लोगों को काम करने के लिए हमेशा जारी रखते हैं चलिए इसी के साथ सेशन को अभी खत्म करते हैं नौ बजे एक और फैंटास्टिक सेशन के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योसिफ राइट अरे बाबा मैंने बोल दिया शाहरुख आई आई नो आप कर सकते हैं शाहरुख खान है आप यू कैन डू इट है ना एकदम ग्रेट चलो इसी के साथ खत्म करते हैं इस सेशन को एक और सेशन में फिर से मिलेंगे नौ बजे तब तक के लिए टेक केयर ऑफ ये थैंक यू वेरी मच